तो ये है कुछ भाई काला कोबरा यानी स्पेक्टेल्ड कोबरा, छोटा सा है और कितना नटखट है यार। ये देखो कितने पास आ चुके हैं एमूस के। तो ये है सारस क्रेन यार, ये कितना मोटा अजगर है भाई। वो देखो एक कुछ उस तरह मुंह है, एक यहाँ पर है, आगे है एग्रेट। ये जैगुआर आराम करता हुआ। मैंने यार आज तक इतने सारे मोर देखे लेकिन मैं फर्स्ट टाइम व्हाइट मोर देख। ये देखिए मूव हो रहा है एक कुछ आगे की तरफ। अभी हम देख के आ चुके हैं लॉयंस, कुछ एक इस तरफ है और एक बिल्कुल पीछे की तरफ। देख सकते हो ये कुछ व्हाइट बग है भाई, ये तो हमको देख के डर गया। और यहाँ पर देखो बच्चे देखो एंजॉय करते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपनी मस्ती में है भाई। सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अमरजीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सप्लोर विद अमरीक। तो जी दोस्तों, आज मैं आपको घुमाने के लिए लेके आ रखा हूं चंडीगढ़ के जू के अंदर। और ये जो जू है बहुत ही बड़ा है, तो आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, आपको भी घुमाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हम कौन कौन से एनिमल्स को देख पाएंगे सब कुछ आपको डिटेल मिलेगी हमारी इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो चलते हैं और आपको सारी डिटेल बताते हैं कि टिकट के क्या चार्जेस रहेंगे, पार्किंग के चार्जेस क्या रहेंगे और यहाँ पर आप कहाँ से कहाँ तक कितने रुपए में पहुंच सकते हो। तो चलो चलते हैं और करते हैं एंजॉय। मेन गेट ये होने वाला है छठबीर जू का, और यहाँ पर ना एक ये सेल्फी पॉइंट बना कर रखा गया है जहाँ पर पंजाबी एंड इंग्लिश में लिखा हुआ है वेलकम टू छठबीर जू, और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। कुछ ये एनिमल्स के फोटोज होंगे, यहाँ पर आप खड़े होकर फोटोज भी क्लिक करा सकते हो। बाकी यहाँ पहुंचने के लिए जो लोकेशन रहने वाली है वो रहेगी आपकी छठबीर जू रोड चंडीगढ़ पंजाब, जो कि आप ये रोड देख रहे हो ये छठबीर जू रोड नाम से लोकेशन रहेगी। छठबीर जू आने के लिए आपको 79 नंबर की बस मिलेगी जो कि आपको सेक्टर 17-18 से यहाँ पर आप पहुंच सकते हो लेके बस को, जिसके आपके चार्जेस रहेंगे 35 रुपए। अगर आप भी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट आते हो ऑटो लेके तो आपको 200 रुपीज का ये पर्सनल ऑटो मिलेगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पहुंच सकते हो। बाकी चलो चलते हैं, अभी आपको टिकट के प्राइस भी बता देते हैं अंदर जाके। तो पार्किंग यहाँ से स्टार्ट होती है और पार्किंग के चार्जेस तो रहने वाले आपके टू व्हीलर के रहेंगे 10 रुपीज, और थ्री व्हीलर एंड फोर व्हीलर के रहने वाले हैं 20 रुपीज। साथ ही साथ अगर आप बस ट्रक मिनी ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली में आते हो तो 100 रुपीज आपके चार्जेस रहेंगे। बाकी आपके बाइक साइकिल एंड व्हीकल रजिस्टर इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट वो उसके चार्जेस रहेंगे बिल्कुल फ्री। एंट्री लेते ही यहाँ पर आपको टिकट काउंटर देखने को मिलता है, यहाँ से आप अपने टिकट्स वगैरह ले सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर ना कुछ रेट लिस्ट लिखी हुई है, एडल्ट के जो चार्जेस रहने वाले हैं वो होंगे आपके 100 रुपीज, चिल्ड्रन जो कि आपके 3 से 12 साल तक के बच्चे होंगे उनके 50 रुपीज चार्जेस रहेंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास कैमरा और वीडियो कैमरा है तो उसके 500 रुपये चार्जेस रहेंगे। और डिफरेंटली एबल्ड जो पीपल्स होंगे उनके फ्री चार्जेस रहने वाले हैं। और जो जू की टाइमिंग रहेगी वो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक रहेगी, और इसी के साथ यहाँ पर जो जू क्लोज होगा वो हर सोमवार के दिन क्लोज होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपना वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो जो कि आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये कुछ स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करके आप अपना वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ना छठबीर जू की तरफ से सेल्फी पॉइंट बना के रखा गया है, आप देख सकते हो ये कितनी बड़ी झील है, और यहाँ पर आप खड़े होकर अपनी फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हो, कितनी प्यारी आएगी। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है छठबीर जू, और साथ ही साथ यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगा के रखे गए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। तो यहाँ पर देखो कितना प्यारा है, ये फाउंटेन कुछ बना के रखा गया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। और यहाँ पर देखो बच्चे देखो एंजॉय करते हुए बहुत ही बढ़िया। अगर आपके पास भी कुछ पिट्ठू बैग है, स्कूल बैग है, तो यहाँ पर ना ये क्लॉक रूम है यानी गठड़ी घर कुछ टाइप बना के रखा गया है, यहाँ पर आप अपना बैग वगैरह जमा करा सकते हैं जिसके चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, अभी हम अपनी एंट्री ले लेते हैं। और जैसे अभी हमने ये टिकट्स ली थी तो हमने अपनी टिकट चेक कराई और यहीं से अभी एंट्री लेते हैं, चलो करते हैं एंजॉय। अभी हम एंट्री लेके आए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना प्यारा लिखा हुआ है आई लव छठबीर जू। तो यहाँ पर आप खड़े होकर ना अपनी फोटोज वगैरह क्लिक कराएंगे तो बहुत प्यारी प्यारी फोटोज आने वाली हैं। और इसी के साथ जैसे यहाँ से अभी हमारा जू स्टार्ट होने वाला है, तो चलो चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से एनिमल हम आपको दिखा पाते हैं। एक सेल्फी पॉइंट वहाँ पे बना के रखा गया, और एक और सेल्फी पॉइंट यहाँ पर भी है। कुछ यहाँ पर सिटिंग वाली सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर आप बैठ के आराम से फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हैं, और लिखा हुआ है वेलकम टू छठबीर जू। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे ना कुछ एक कॉर्नर में देख सकते हो ये छोटे छोटे पौधे हैं, तो बहुत ही प्यारा भाई डिज़ाइन लग रहा है। और आप यहाँ पे भी खड़े होकर फोटोज क्लिक करा सकते हो, कुछ ये बांस के बैम्बूज हैं, तो बहुत प्यारी प्यारी फोटोज आएंगी। आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर कोई डायरेक्शन मैप बना के रखा गया है छठबीर जू का, और यहाँ पर आप कौन कौन से एनिमल्स देख पाते हो, जैसे ये कुछ पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, 18 पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पर जैसे मंकी कॉम्प्लेक्स 1, मंकी कॉम्प्लेक्स 2, टाइगर कॉम्प्लेक्स, हिप्पो कॉम्प्लेक्स, एमू कॉम्प्लेक्स, एलिफेंट कॉम्प्लेक्स, ऐसे कुछ कंटिन्यू 18 कुछ पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ पॉइंट नंबर लिखे हुए हैं ना डायरेक्शन मैप पे, तो आप देख देख के वहाँ पर डायरेक्ट पहुँच सकते हो। तो यहाँ पर कुछ रेट लिस्ट लिखी हुई है जो कि आप अगर बैटरी ऑपरेटेड ट्रॉलीज लेते हैं एडल्ट के चार्जेस रहेंगे आपके 60 रुपये, चिल्ड्रन के आपके 60 रुपये, और जो चिल्ड्रन होंगे 3 साल तक के नीचे वाले उनके फ्री रहने वाले हैं। और बाकी एक और यहाँ पर कुछ रेट लिस्ट लिखा हुआ है रेट्स फॉर बैटरी ऑपरेटेड टॉय ट्रेन, जो कि आप टॉय ट्रेन भी इंजॉय कर सकते हो। एडल्ट के चार्जेस रहेंगे 100 रुपीज़, चिल्ड्रन के 100 रुपीज़, और साथ ही साथ चिल्ड्रन जो कि 3 साल से नीचे होंगे उनके फ्री
ही रहने वाले हैं। बैटरी ऑपरेटेड ट्रॉलीज कुछ इस तरीके की रहने वाली है, यहाँ पर आप बैठ के पूरा चटबीर जू को एंजॉय कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ वेस्ट मटेरियल से यहाँ पर कुछ ये पिकॉक बना के रखा गया, कितना प्यारा लग रहा है भाई। इनके वहाँ पर देख सकते हो कुछ पंख, बहुत ही प्यारा। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं पिग टेल मकाओ, जो कि सूरपूंछ बांदर लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ, और इनकी डिटेल्स है, आप ये इंग्लिश में एंड पंजाबी में बिल्कुल पढ़ सकते हो। और ये कुछ बारकोड है, इसको आप स्कैन करके फुल डिटेल पढ़ सकते हो। कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ एक दो फोटोज़ हैं, देख सकते हो इनकी पूंछ, देख सकते हो कुछ अलग तरीके की है। और यहाँ पर एक हम आपको रील में दिखाते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है भाई, ये देख सकते हो अकेला है भाई अभी तो ये इधर। और ठीक है जी, तो अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो है बॉनेट मकाओ, यानी बॉनेट बांदर। तो यहाँ पर भी इंग्लिश एंड पंजाबी में लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी जो हमारे ये बॉनेट मकाओ होंगे कुछ इस तरीके के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो देख सकते हो ये अभी दो कुछ हैं ये बॉनेट मकाओ, एक दूसरे के ये बालों को देख रहे हैं भाई। ओहो क्या कर रही है, देखो सही है भाई। चलो आगे की तरफ चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं यहाँ पर। अभी हमने वहाँ पर बॉनेट मकाओ देखा और यहाँ पर भी आपको बॉनेट मकाओ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ अलग तरीके का कुछ ये बॉनेट मकाओ है, आप देख सकते हो। तो ये देखो कुछ इस तरीके का, इसकी आप पूंछ देख सकते हो भाई कितनी बड़ी है। और ये अभी कुछ ज़मीन पर पड़े कुछ दाने, पता नहीं क्या खा रहा है, कुछ तो खा रहा है भाई। और ये अकेला है भाई यहाँ पर कुछ इस तरीके के इस घर में रहता है। ये कुछ जाला टाइप बना के रखा गया ना, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का। पूंछ देखो दोस्तों कितनी बड़ी है। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ असामीस मकाओ, तो यहाँ पर ये इंग्लिश एंड पंजाबी में लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ गया कहाँ गया, कुछ इस तरीके से वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखो ये कुछ असामीस मकाओ हैं, तो ये देखो कितना बड़ा है यार, वो देखो ओहो बहुत ही बढ़िया। और ये पानी पीता हुआ देख सकते हो। और एक यहाँ पर है और एक ये रहा बिल्कुल हमारे पास में, कुछ एक ही जगह पर आपको ये असामीस मकाओ तीन देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर भी एक ये असामीस मकाओ है और कितना छोटा सा बेबी है यार, ये देखो ओह बहुत ही बढ़िया। ये देखो करतब करता हुआ, ये बहुत ही बढ़िया। ओ कहाँ गया वो, देखो झूला झूल रहा है। ओहे भाई ओहे 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 बहुत ही बढ़िया जी, ओहे वाह यार छोटा सा है और कितना नटखट है यार। ये देखो ये वापसी गया अपने मम्मी पापा के पास, वाह ये देखो जी बहुत ही प्यारा। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं वाइट टाइगर, तो यहाँ पर कुछ इंग्लिश एंड पंजाबी में लिखा हुआ है और वहाँ पर कुछ ये वाइट टाइगर सो रहा है अभी। ये देखिए वो देखिए जी, ये कुछ सोता हुआ अभी आराम कर रहा है भाई। जैसे अभी दोपहर का समय है तो अभी आराम करने का समय हो चुका है भाई जानवरों का। और यहाँ पर आप फुल डिटेल पढ़ सकते हो इंग्लिश एंड पंजाबी में, कुछ वाइट टाइगर कुछ इस तरीके का होता है। बाकी आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, और साथ ही साथ अगर ये पानी में जाता है तो कितना प्यारा लगता है। ये देखो बहुत ही बढ़िया। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं हिप्पोपोटामस, यानी हिप्पो दरियाई घोड़ा, और यहाँ पर ये कुछ इंग्लिश में लिखा है और साथ ही साथ यहाँ पर पंजाबी में। तो ये कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का। और अभी ना ये पानी के अंदर है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ बबल्स टाइप यार, ये देखो ये अभी छोड़ रहे हैं। ये देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बारी, ये देखो बहुत ही बढ़िया। और अभी ये पानी के अंदर है और ये कुछ 3 मिनट बाद जैसे बाहर निकलते हैं, तो देख सकते हो ये कुछ अभी बाहर इसने अपना मुंह करा है। ये देखो जी, और ये फिर पानी में चला गया। इस जू में आपको डायनासोर पार्क भी देखने को मिलता है, जिसकी जो टाइमिंग होगी क्लोजिंग की वो शाम के 5 बजे की होगी। बाकी यहाँ से कुछ 620 मीटर ही दूर है, तो चलो चलते हैं और आपको डायनासोर पार्क भी दिखाते हैं साथ ही साथ। छठबीर जू में ना कुछ यहाँ पर कुछ इस तरीके के आपको झूले भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप झूले झूल सकते हो, जैसे यहाँ पर ये झूला झूल रहे हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर भी एक साथ आप झूला झूल सकते हो। तो ये कुछ हो सकता है भाई बच्चों के लिए अट्रैक्शन पॉइंट्स। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ व्हाइट बग, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये व्हाइट बग होता है। और यहाँ पर एक और ये फोटोज़ है, तो यहाँ पर आप ये इंग्लिश एंड पंजाबी में पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। बाकी जो आपका वाइट बग है कुछ उस तरफ खड़े हैं, तो चलो पास जाके आपको दिखाते हैं एक बार। देख सकते हो ये कुछ वाइट बग है, तो ये थोड़ा सा दूरी पर है, तो इसलिए यार ये हम आपको साफ तरीके से नहीं दिखा पा रहे। तो देख सकते हो कितना दूर है, तो बहुत ही बढ़िया। एक ही साथ ये ग्रुप में घूम रहे हैं वाइट बग, तो बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं। बाकी ये पूरा जगह इन्हीं के लिए बना के रखा गया है। सो दोस्तों अभी हम आपको दिखाने वाले हैं एलिफेंट इंडियन, यानी हाथी। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पर इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ फोटोज़ हैं, और यहाँ पर भी देखिए। और अभी हम आपको ये एलिफेंट इंडियन दिखा देते हैं कुछ इस तरीके के। आपको 3 एलिफेंट एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे, कुछ एक इस तरफ है और एक बिल्कुल पीछे की तरफ और एक ये यहाँ की तरफ।
तो देख सकते हो भाई कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आप, बहुत ही प्यारा ये दोनों एलिफेंट एक साथ। और ये देखो, ये इन्होंने ना अपनी पूंछ बिल्कुल ये कुछ लोहे के ग्रिल के ऊपर रख दी है। आई थिंक इनके ना सूंड के इधर यार आई थिंक कुछ खुजली टाइप हो रही होगी। ये देखिए, या तो कुछ खा रहा होगा यार मेरे हिसाब से। एक ही जगह पर खड़ा है ये, और पीछे वाला थोड़ा सा चल रहा है, और बाकी ये जो इस तरफ है ना ये भी एक ही जगह पर खड़ा है बस। ये अपनी मन मर्जी से चल रहे भाई। जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अभी हमें आगे की तरफ देखने को मिलेगा हाइना, लकड़बग्गा यानी एमू, ईमू, लॉयन सफारी, कैंटीन, जैकल, लेपर्ड। तो चलो चलते हैं कुछ इस तरफ और अभी आपको दिखाते हैं। सो गाइज, अब हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ हाइना, लकड़बग्गा यानी, तो ये इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों लैंग्वेज में लिखा है और ये कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हो। तो देखने में भी यार कितना डेंजर लग रहा है। और अभी हम आपको ना यहाँ पे रियल में दिखाते हैं। ये देखिए, ये कुछ ये छोटी सी ये केव के अंदर है। ये देखिए, अभी ये अंधेरा है ना अंदर की तरफ, तो देख नहीं पा रहा होगा। तो ये पूरा ही भाई इनके लिए बना के रखा गया ये लोकेशन। दोस्तों, अब हम आपको दिखाने वाले हैं इंडियन वॉल्फ यानी भेड़िया यानी बघियाड़। तो ये कुछ इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ इस तरीके का होता है, देख सकते हो। ये देखिए, तो कुछ यहाँ पर होगा देखने के लिए। देखने में कितना डेंजर लग रहा है। हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपनी मस्ती में है भाई। और ये देखो खेलता हुआ, ये देखो ये अभी आगे की तरफ जा रहा है भाई। और यहाँ पर आपको दो एक साथ देखने को मिल जाएंगे, एक वो उस तरफ से आता हुआ और एक यहाँ पर। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया जी। आप चंडीगढ़ के इस जू में वाइल्ड लाइफ सफारी भी कर सकते हो, जिसमें आपको शेर और हिरन देखने को मिलता है। इसके चार्जेस रहने वाले आपके 50 रुपये पर पर्सन। और आप जो ये देख सकते हो बिल्कुल मेन गेट, यहाँ से जाना होगा और आप ये बस में जा सकते हो। तो ये कुछ छोटी छोटी बसें होंगी, आप इसमें बैठ सकते हो और चारों तरफ देख सकते हो कितने ये जाले के साथ इनकी सेफ्टी रखी गई है। तो चलो करते हैं हम भी इंजॉय आज ये वाइल्ड लाइफ सफारी के। सो गाइस, अभी हम जैसे बस में बैठ चुके हैं, कुछ इस तरीके की बस होगी, तो एक साथ आप ये जंगल जैसे ये वाइल्ड लाइफ सफारी है इसके एंजॉय कर सकते हो। अभी हमारी बस स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से ही जैसे आप ये मेन गेट देख रहे होगे कुछ इस तरफ से, अभी ये मेन गेट ओपन करेंगे यहाँ से, मतलब स्लाइड करेंगे और अभी हमारी जो बस है बिल्कुल इसको इस तरफ जाती दिखेगी। देख सकते हो जैसे अभी यहाँ से एक ये गेट ओपन हो चुका है, तो अभी हमारी बस कुछ उस तरफ जाएगी, फिर वो दूसरा वाला गेट भी ओपन हो जाएगा और जब तक ये बंद कर देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ये पिकॉक यानी मोर, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ओह ये देखिए, ओ वाह भागता हुआ, बहुत ही प्यारा भाई। काश इस समय बारिश पड़ रही हो ना तो ये अपने पूरे पंख फैलाए। तो आगे चलो देखते हुए जा रहे हैं हम और क्या क्या देखने को मिलता है हमारे को यहाँ पर। तो देख सकते हो वो सामने ही आपको शेर देखने को मिल जाएगा। ये देखो आराम कर रहा है अभी, ये देखिए वो भाई साहब अभी तो आराम कर रहा है भाई। एक शेर तो वहाँ आराम कर रहा है और एक शेर यहाँ पर भी आप देख सकते हो। ये देखिए अभी आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, ये देखिए, ओए होए, एक कुछ आगे की तरफ है। ओहो वाओ, ये देख सकते हो एक यहाँ पर और एक वो और आगे। ओए होए, बहुत ही बढ़िया जी, कितना डेंजर लग रहा है यार। ओए बहुत ही बढ़िया, और कुछ उस तरफ है एक, ये देखिए उसने अपना मुंह ना कुछ उस तरफ कर रखा है। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देखो जी, अब ये फ्रंट फेस एक, ये देखिए, ओए होए, अभी हम कुछ उस तरफ खड़े थे ओ उस तरफ, और अभी हमने आपको यहाँ से आके दिखाया। अभी आराम कर रहे हैं भाई, अभी ये अच्छे मूड में, इसलिए हमारे को कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा सा इनका मूड चेंज हुआ तो भाई हमको खुद भागना पड़ेगा। अभी हम देख के आ चुके हैं लॉयंस, तो इसी के साथ ना हिरन भी देखने को मिलते थे पहले, लेकिन अब ना वो कुछ एक या दो महीने पहले बंद कर दिए गए हैं, वरना हमारे सामने ही आके हिरन सारे देखने को मिलते थे। लेकिन ठीक है भाई, अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, एक साथ हमने 3 से 4 कुछ शेर देखे। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ, और भी एनिमल्स कौन कौन से देख पाते हैं आपको बताते हैं। चंडीगढ़ जू में आपके लिए जैसे ये कैंटीन बना के रखी गई है लॉयन सफारी कैंटीन के नाम से, तो आप यहाँ पर अपना खाना पीना कर सकते हो। बाकी बात की जाए भाई मेन्यू की, तो यहाँ पर ना कुछ मेन्यू है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारा मेन्यू पढ़ सकते हो कि आपको कितना कौन सी चीज़ कितने रुपए में मिलने वाली है। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं जगुआर, तो देख सकते हो यहाँ पर इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है इनके बारे में, और ये कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हो कितना डेंजर लग रहा है यार देखने में। और यहाँ पर देखो ये धाड़ता हुआ, ओए होए इसके दांत देखो यार कितने नुकीले टाइप होते हैं। तो अभी ना वहाँ पर है कुछ, तो चलो पास जाके आपको दिखाते हैं भाई। ये जगुआर आराम करता हुआ, तो यार अभी तो आराम कर रहा है, खड़ा हो जा भाई।
ठीक है जी, चलो आराम कर रहा है, आराम करने देते हैं इसको और निकलते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर और कौन कौन से एनिमल्स हैं आपको डिटेल बताते हैं। सो नेक्स्ट अब हम आपको दिखाने वाले हैं पैंथर लेपर्ड यानी तेंदुआ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की ये फोटोज यहाँ पर बना के रखी गई हैं। ओहो, कुछ इस तरीके का होता है ये देखिए। और अभी हमारे बिल्कुल सामने ही वहाँ पर ये पैंथर है, ये देखो आराम करता हुआ। ओहो भाई साहब, देखने में बड़ा डेंजर लग रहा है यार। माय गॉड। अब हम आपको दिखाने वाले हैं जंगली कैट यानी जंगली बिल्ली। तो यहाँ पर भी आप इनकी डिटेल्स पढ़ सकते हो और कुछ इस तरीके का होता है भाई। ये देखिए कितनी हाइट में बढ़िया यार ये। ये देखो कितनी डेंजर लग रही है। ओए होए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बार। ये देखो ओए होए, आजा आजा आजा, कुछ इस तरफ आ रही है भाई। ये देखो कुछ उस तरफ एक और बैठा हुआ है। वो देखो ये देखिए, दोस्तों अभी हम आ चुके हैं डायनासोर पार्क के तरफ। तो यहाँ से आपका ये मेन गेट होने वाला है, छठपीर डायनासोर पार्क का मेन गेट जैसे ये है। तो चलो चलते हैं यहाँ से और आपको दिखाते हैं भाई डायनासोर पार्क और एक्सप्लोर कराते हैं भाई। अभी जैसे हम एंट्री लेके आ चुके हैं और यहाँ पर देखो एक और गेट है और गेट के ऊपर ना यहाँ पर कुछ ये बॉन्स के थ्रू से ना यहाँ पर ये डायनासोर का एक मॉडल बना के रखा गया है। तो कितना प्यारा लग रहा है। तो चलो चलते हैं, अभी हम एंट्री ले रहे हैं और एंट्री लेते ही देख सकते हो कुछ इस तरीके का ये बम्बूज का जैसे ये बांस का कुछ ये अपना दरवाजा बना के रखा गया है। यहाँ पर कैमरा लगा के रखा गया है और साथ ही साथ यहाँ पर ना लिखा गया है भाई, प्रबंधक की कारणा करके डायनासोर पार्क दे बंद होने का समय शाम 5 बजे है। तो मतलब ये 5 बजे शाम के समय बंद हो जाएगा। बाकी आप ये देख सकते हो कितना प्यारा डिज़ाइन, ये कुछ जाले में यार इन्होंने ना स्टोन्स वाले पत्थर जैसे इन्होंने ये जमा करके लगा रखे हैं, तो बहुत प्यारा लग रहा है। और जैसे अभी हम एंट्री ले रहे हैं और एंट्री लेते ही आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये पोस्टर बना के रखा गया है कि आप कौन कौन से यहाँ पर डायनासोर के मॉडल देख सकते हो। तो ये देखिए कुछ इस तरीके के होंगे, कुछ उनकी डिटेल्स होगी, यहाँ पर डिटेल्स है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो एक ये मॉडल बना के रखा गया है, ये देखिए जी। ओहो, ये मूव हो रहा है लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। ये देखिए कुछ इस तरीके का ये पूरा मॉडल बना के रखा गया। और यार वैसे ना इसकी आंखें देखोगे ना, ये देखो बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई। जिस तरफ से जैसे अभी हम आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ एक गुफा टाइप बना के रखी गई है। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई क्या क्या देखने को मिलता है। भाई साहब मेरे को तो डर लग रहा है भाई, एक तो अकेला आ रखा हूँ भाई। ओ जसरीत भाई मेरे को डरा दिया यार तुमने मेरे को। भाई ओ भाई, चलो चलो चलते हैं आगे की तरफ। ये देखिए कुछ इस तरीके का रास्ता बना के रखा गया है और ये जैसे लाइटिंग करके रखी गई है ना, इतना डरावना टाइप बना के। और ये देखो साउंड भी देखो ना जैसे डरा रहा है भाई। बहुत ही बढ़िया भाई। और अभी हम फाइनली बाहर आ चुके हैं और बाहर आते आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का व्यू। बाकी अभी जो हमने ये गुफा देखी ना यार, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था। आवाज़ आ रही है, अलग अलग साउंड्स आ रहे थे ना, कुछ डराने वाले। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बना के रखा गया। और अभी हम आगे की तरफ बढ़े हैं डायनासोर पार्क में। सबसे पहले जो आपको डायनासोर देखने को मिलता है वो है डायलोफोसोर्स। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके की यहाँ पर इनकी डिटेल लिखी गई है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और ये कुछ दिखने में ऐसा होता था देखो। ओहो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके का होता था भाई ये। बहुत ही प्यारा जी डायनासोर अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, ये है टेरानोडन। तो आप देख सकते हो इनकी डिटेल्स यहाँ पर पंजाबी में, हिंदी में एंड इंग्लिश में लिखी गई है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। और कुछ इस तरीके का होता था और वहाँ पर कुछ ये डमी टाइप मॉडल टाइप बना के रखा गया है। तो अभी हमारे को ना यहाँ से ऊपर की तरफ जाना होगा, तो चलो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हो ये है टेरानोडन डायनासोर। तो देख सकते हो इनके पंख होते थे और ये देखो छोटे छोटे अंडे साथ में पड़े हुए हैं। ये देखिए और 3 बच्चे निकलते हुए अंडों से। तो ये कुछ मॉडल टाइप बना के रखे हैं, ये असली में नहीं है वैसे। तो देख सकते हो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ 2 छोटे बच्चे डायनासोर टाइप के यहाँ पर ना जैसे मॉडल बना के रखे हैं आपस में लड़ते हुए। और साथ ही साथ ना एक यहाँ पर देखो ये उड़ता हुआ। वाह बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई, जैसे ये पेड़ों के बीचों बीच इन्होंने बना के रखा गया ना। तो भाई बहुत बढ़िया। यहाँ पर ना आपको एक और डायनासोर देखने को मिलता है, तो कुछ अलग ही तरीके का जैसे इसकी मूवमेंट है। अभी इसके हाथ देख सकते हो, अभी देखो ये अपना सर हिलाता हुआ। ये देखो बिल्कुल भाई साहब रियल लग रहा है, जिस तरीके से मूव हो रहा है ना ये बिल्कुल ही रियल लग रहा है। अभी देखो हाथों के मूवमेंट देखो इनके, ये देखो ये जैसे आँखों को भी जैसे पलकों को झपकाता है ना बिल्कुल रियल। ये देखिए ये देखिए कि यहाँ पर एक ये सेल्फी पॉइंट बना कर रखा गया है। ये कुछ ये अंडे हैं डायनासोर के यहाँ से निकलते हुए देख सकते हो। तो
तो अब ये फोटोज क्लिक करा रहे, बहुत ही प्यारे भाई। यहाँ से फोटो क्लिक कराने के बाद अभी हम जैसे आगे की तरफ बढ़े हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना प्यारा यार एक ये पॉइंट बना के रखा गया है, ये कुछ ब्रिज टाइप, तो देख सकते हो भाई बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलो चलते हैं, और देखो जी कुछ इस तरीके से कवर करके रखा गया है, वाह। तो अभी चलो चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं ऊपर से डायनासोर कौन कौन से देख पाते हैं। अभी हम जो आपको नेक्स्ट डायनासोर दिखाने वाले हैं ये है मेमनची सोर्स, तो देख सकते हो यार कितना बड़ा बना के रखा गया है। और अभी जैसे ये अपनी गर्दन को मूव कर रहा है ना, और साथ ही साथ जैसे अपनी आंखों को ये झपका रहा है, और साथ ही साथ जैसे जबान जो है इसकी वो भी यार ये देखो मूव कर रही है, तो बहुत ही बढ़िया भाई। ये देखो कितना बड़ा है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। दिखाने वाले हैं टायरानोसोरस, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है, और यहाँ पर ये कुछ मॉडल टाइप बना के रखा गया है आप देख सकते हो। और अभी ना ये मूव भी होगा, अभी देखना जी, ये देखिए, ये देखो इनकी दांत देख सकते हो कितने डरावने लग रहे हैं, आंखें देखो जी, और ये आगे वाले हाथ हैं ये दो, और ये पीछे पैरों पे खड़ा है। तो अभी हम जा रहे हैं बर्ड्स एवियरी, तो यहाँ से ये गेट होने वाला है, तो चलो चलते हैं। और यहाँ पर ना कुछ एंट्री गेट पर नोटिस लिखा हुआ है जो कि आपका ये जो बर्ड्स एवियरी ये 4 बजे तक ओपन रहेगा शाम के, तो ये कुछ रास्ता होने वाला है, तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप एंट्री लेके आते हो तो यहाँ पर ना आपके लिए सिटिंग बना के रखा गया है, यहाँ पर आप बैठ भी सकते हो और आराम भी कर सकते हो ये कुछ गार्डन में, और साथ ही साथ जैसे ये बर्ड्स एवियरी है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से हमें यहाँ बर्ड्स देखने को मिलते हैं। और स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, वॉक इन एवियरी लिखा हुआ है, और ये कुछ आई थिंक ये गीला गीला कर रखा है, ठीक है, और ये कुछ सर्कल टाइप बना के रखा गया है, तो ये देख सकते हो। ओहो ये देखिए जी, ये देखिए, वाह कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए। तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ चिट्टा मोर यानी पेफॉल वाइट, तो देख सकते हो भाई ये कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। मैंने यार आज तक इतने सारे मोर देखे, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम वाइट मोर देख रहा हूँ, यानी चिट्टा मोर यानी वाइट पिकॉक भी बोल सकते हो। और यार उसने ना अपने सारे पंख फैला रखे हैं, तो भाई साहब मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, और आप भी शायद ही फर्स्ट टाइम देख पा रहे होगे। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और साथ ही साथ ये जो भाई है ना इनके भाई, ये कहने पर भाई साहब आगे पीछे हो रहा है भाई ये मोर, तो और भी यार एक्साइटेड वाली बात है भाई। तो चलो चलते हैं अभी हम अंदर और आपको और भी बर्ड्स दिखाते हैं भाई। और ये देखिए, ये देखिए कुछ, और यहाँ पर फिर से यार कि हमारे जो पक्षी है ना वो बाहर की तरफ ना जा पाए, इसलिए ये इन्होंने सेफ्टी के लिए ऐसा बना रखा है। और यहाँ से देखो ये पूरा ही कवर है। तो गाइज अभी आप जो देख रहे हो ये है सारस क्रेन, और आप देख सकते हो भाई, और आगे है एग्रेट, तो ये आपको बर्ड्स एवियरी में देखने को मिलेंगे। तो ये देखो ये ऊपर की तरफ कुछ देखता हुआ, कितना प्यारा लग रहा है यार। अभी आप बर्ड्स एवियरी में जो देख पा रहे हो ये है डक्स, तो देख सकते हो भाई ये कुछ पानी में तैरते हुए, और ये साइड में है कुछ बैठे हुए, तो वो देखो जंप मारते हुए। सो गाइज यहाँ पर ना आप एमू देख पाएंगे, देख सकते हो एक यहाँ पर है और कुछ उस तरफ है, और उनके साथ में ना छोटे छोटे एमूज भी हैं, ये देखो, ये देखो, ये भागता हुआ, ये देखो कितना छोटा सा है, वो बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों अभी हम बिल्कुल कितने पास आ चुके हैं एमूज के, और ये देखिए, ये देखिए, और कुछ उस तरफ, बहुत ही बढ़िया है, डरपोक है भाई, ये तो हमको देख के डर गया भाई। यहाँ पर कितने छोटे छोटे से यार प्यारे प्यारे से ये हिरण है, तो देख सकते हो यार, ये देखो यहाँ पर, और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं यार, बहुत ही, ये यार इतने जल्दी देखने को मिलते नहीं वैसे छोटे छोटे हिरण, और आप देख सकते हो यार तो बहुत ही प्यारे प्यारे लग रहे हैं भाई। तो अभी आप जो देख रहे हो ये है इंडियन बाइसन यानी गौर के नाम से भी जाने जाते हैं भाई ये गाय, तो देख सकते हो भाई इनका साइज़ कितना बड़ा बड़ा है भाई, ये देख सकते हो भाई। और यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कुछ दो हैं और यहाँ पर भी दो हैं, और इनकी जो हाइट है ना भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊँची है, देख सकते हो भाई, जो ये आम गाय होती हैं जो गलियों के अंदर नॉर्मली देखने को मिल जाती हैं वो उनसे भाई बहुत ही ज़्यादा हाइट है भाई। तो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं ब्लू बुल यानी नीलगा रोज़, तो ये इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरीके की ये फ़ोटोज़ के थ्रू से आपको समझाने की कोशिश करी गई है, और साथ ही साथ कुछ इस तरीके के होते हैं, देखो जी ये देखिए, ये देखिए जी, ये है ब्लू बुल, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ब्लू बुल देखने के बाद अभी हम आ चुके हैं रेप्टाइल हाउस की तरफ, तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं भाई यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं रॉक पाइथन यानी अजगर, तो देख सकते हो यार ये टोटल ना कुछ 1, 2, 3 और ये चौथा उधर की तरफ, टोटल 4 हैं ये कुछ पाइथन, तो बहुत ही बढ़िया भाई। तो इधर भी भाई आपको रॉक पाइथन देखने को मिलता है यानी अजगर, तो देख सकते हो यार ये कितना मोटा अजगर है भाई, वो देखो एक कुछ उस तरफ मुँह है, एक यहाँ पर है,
देखो भाई साहब, और कितना मोटा यार, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो। ये देखो कितना गरीब, आगे की तरफ बड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, ये कुछ इस तरीके के आपको ये देखिए देखने को मिलेंगे। तो यार इनके ना नाम की इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर लिखी नहीं गई, तो बाकी आप देख सकते हो। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, ये है कुछ काला कोबरा। तो देख सकते हो भाई, ये पानी में अभी रुके हुए हैं, तो बिल्कुल ब्लैक कलर के है भाई ये। इतना प्यारा भी लग रहा है और डेंजर भी लग रहा है भाई। और इनको ना चारों तरफ से बंद करके रखा गया है कांच में। तो ठीक है जी दोस्तों, देख सकते हो ये है कुछ भाई काला कोबरा, यानी स्पेक्टेल्ड कोबरा। तो देख सकते हो यार कितने किस तरीके से इसने अपने फन फैला रखे हैं, और कितना प्यारा लग रहा है भाई। ये देखिए, ओए होए, बहुत ही बढ़िया जी। इस जू में आपको लास्ट में क्रोकोडाइल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इंग्लिश एंड पंजाबी में दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ फोटोज़ के थ्रू से आपको समझाने की कोशिश करी गई है। बाकी रियल में अगर आपको देखना है तो कुछ इस तरीके से ही वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा भाई क्रोकोडाइल। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सो हाँ जी दोस्तों, फाइनली अभी हमने छठ जू को पूरा ही एक्सप्लोर कर लिया, और बहुत ही मज़ेदार जू था। और हमने एक से एक जानवर और एक से एक एक्सपीरियंस यहाँ पर लिया, जैसे वाइल्ड लाइफ जो सफारी थी उसका भी हमने एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में लिया। और जो हमने वाइट पिकॉक देखा जिसने अपने पूरे पंख फैला रखे थे, वो भी भाई हमारा नेक्स्ट लेवल था एक्सपीरियंस। बाकी आपको कैसा लगा भाई? ये भी बढ़िया लगा, और एक इनका वाटर हाउस था वो बढ़िया था, वो भी बढ़िया था। लायन सफारी जैसे बात की उसकी बड़ी, वो भी बहुत बढ़िया थी। बिल्कुल भाई, और क्या क्या देखा यार, मतलब इतना कुछ देखा। एक जो व्हाइट पिकॉक था उसने पंख भैया ने कैसे उसको ऐसा कुछ बोला कि वो इतनी देर तक पंख खोले। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और एवियरी तो अपनी लाइफ में देखा। आपको यही सजेस्ट करेंगे की आप थोड़ा जल्दी आए, जल्दी आए। 4-5 बजे सारे के सही जो हाउस वगैरह है बंद हो जाते हैं। अप्रोक्सली हमने आज 11 बजे से स्टार्ट करा था घूमना ना, और 11 बजे से अभी शाम के 4 बजने वाले हैं। और अभी भी जल्दी आएंगे, 9 बजे आएंगे, उतना बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। बाकी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको ऐसे कुछ बढ़िया से ब्लॉग के साथ। सो टेक केयर, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर देना भाई, भाई ने भी बोल दिया।